कुछ साल पहले मैं आजमगढ़ गया था, एक वर्कशॉप कर रहा था शिवली कॉलेज में। वर्कशॉप तो फिजिक्स पे था, लेकिन जब मैं 8-10 लेक्चर फिजिक्स पे दिए तो फिर मैंने आधे दिन का सेशन रखा इंसानियत के ऊपर। तो भाई एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया मुझसे कि राम क्या भगवान थे? मुस्लिम लड़का था, तो मैं हक्का बक्का रह गया। सवाल क्या पूछ दिया, राम भगवान थे क्या? फिर मैंने उससे कहा, हमने कहा कि राम दो है, एक राम जो रामायण में जिसका विवरण है कि दशरथ का बेटा है वगैरह वगैरह है, वो अक्स भी लोगों के दिमाग में है, लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों के दिमाग में जो राम है वो मरा नहीं था जल समाधि लेके, वो दशरथ का बच्चा बनने से पहले भी राम था। तो वो एक ऐसा राम है जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग वाहे गुरु कहते हैं। तो आम लोगों के तसव्वुर में जो राम है वो राम है, सारी कायनात का कुछ चलाने वाला, दिलों की धड़कन, इंसान को इंसान से जोड़ने वाला, वो राम है। तो गांधी का जो राम है वो दरअसल वही राम है। हे राम जब उनके मुंह से निकला तो ये नहीं कि उस बच्चे की शक्ल याद आ गई कि जो जंगल में धनुष लेके जा रहा था सीता और लक्ष्मण के साथ, वो भी तो सबर हो सकता है रहा हो, लेकिन वो एक मामूली चीज है। तो असली स्पिरिट राम के साथ जुड़ती है, जो गांधी को कहते थे कि राम नाम मेरे हर मर्ज की दवा है, जब मैं संशय में होता हूं तो राम मुझे रास्ता दिखाता है। तो जो वो दिखाने वाला राम है उसके लिए उन्होंने मंदिरों में नहीं तलाशा कभी, वो जाते नहीं थे मंदिरों में गांधी। वो वही है जिसकी जिसको कई लोग कबीर निर्गुण कहते हैं, कई लोग उसको किसी शक्ल में देख लेते हैं, प्राइमरीली गांधी का राम तो वो है आत्मा परमात्मा। और उसके बारे में दो बातें और, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें लिखा कि मेरी सारी की सारी राजनीतिक और सामाजिक क्रियाएं काम धंधे सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए हैं, ईश्वर माने राम, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए हैं। वो गांधी ने उसमें एक बात लिखी। एक बात और जो उनके सारे कामों का सार है कि अहंकार निरसन, जब इंसान का अहंकार मिट जाता है तब उसको हल्का सा झलक मिलती है ईश्वर की सारी भक्ति की साधना ही है कि हमारा अहंकार गल जाए। बल्कि एक बात और मैं आपको इसमें जोड़ता हूं कि गांधी ने अपने जब आजादी आंदोलन का एक खाका रखा कि हम आजाद होंगे तो कैसा हिंदुस्तान में राज बनेगा, एक जगह उन्होंने रामराज का वर्णन किया। रामराज में तुलसीदास ने रामराज का एक खाका रखा है अपनी रामायण में, उसमें मोटे तौर पे दो बातें रखी कि विषमता नहीं होगी, राम के प्रताप से विषमता चली जाएगी। जब आदमी अपना दंभ दिखाता है तो बड़प्पन और छोटेपन का समाज बनता है, लेकिन अगर कह दे कि भाई ये भगवान की कृपा से हो रहा है, हमें कर्ता का भाव नहीं है, जिस समाज में अहंकार नहीं होगा वो समाज समरस होगा, समता मूलक होगा, विषमता उसमें नहीं होगी, शोषण नहीं होगा उसमें। तो ये बात गांधी ने रामराज के नाम पे रखी। लेकिन दूसरा राम जो हमें 24 घंटे कुंठा में घेर लेता है, वो राम एक नया पैदा कर दिया राम मंदिर आंदोलन ने। और वो आंदोलन इतना, वो राम जो लोगों की रगों में बसा राम है, अल्लाह ताला जिसका पर्यायवाची है, उस राम की जगह राम की एक शक्ल शिकारी की बना दी, राम की सौगंध खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें जो एसर्शन ऑफ एरोगेंस है वो राम से कहीं मिल नहीं खाता। राम जंगल गए तो वनवास में जब जा रहे थे तो चित्रकूट के पास कहीं पहुंचे, वो तो वो पहुंच गए एक आश्रम में, वो आश्रम जो था वो वाल्मीकि का आश्रम था, उसमें पहुंच गए, उनसे बोले कि मैं अब जंगल में रहना है तो कोई ठिकाना बता दें जहां मैं रहूं। तो वाल्मीकि ने कहा कि आप तो कहाँ नहीं हो, आप तो हर जगह हो, लेकिन अगर पूछते हो तो मैं बताता हूँ, जी जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया, यानी जिसके अंदर कपट और दंभ ना हो, जिसमें अपने पराए का भेद ना हो, उसके दिल में जाके रहो, असली घर तो वो है। तो राम से तो वो जुड़ता है।
और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राम जब लंका जा रहे थे, समंदर पार करना था, पुल बन गया था, तो वहां पर उन्होंने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई शंकर भगवान की और पूजा की और फिर चले। तो जब कुछ दिनों के बाद रावण को मार दिया, बाद में लंका से लौट के आ गए, अयोध्या के राजा बन गए। जब अयोध्या के राजा बन गए तो चाहते तो वो उस जगह बहुत बड़ा मंदिर बनवा देते, लेकिन उन्होंने उतनी छोड़ा। बल्कि ये बात मेरी पोती को, मेरी बेटी की बेटी को ज्यादा अच्छी समझ में आई। मैंने उससे पूछ लिया सवाल, हमने कहा बेटा राम ने गलती कर दी क्या कि वहां मंदिर नहीं बनवाया, बड़ा मंदिर वो तो बनवा सकते थे, उनने इग्नोर क्यों किया इस बात को? तो उसने कहा बहुत अच्छा किया, मंदिर में दिखावा होने ही नहीं चाहिए, मंदिर जितना सादा हो उतना बेहतर। मंदिर में हम यही सीखने तो जाते हैं कि हमारे अंदर दिखावा मिट जाए, घमंड मिट जाए। तो ये बात जब छोटे बच्चे भी समझते हैं, अगर उनके दिमाग में मैल न डाला जाए तो मैं तो राम का वो तो सबूर मानता हूँ जी। सौरभ जी, मतलब हम सब लोग अपनी पहली जो शिक्षा लेते हैं वो अपनी दादी नानी से ही लेते हैं, और मैंने गांधी के राम तो बहुत बाद में मेरे जीवन में आए, पहले तो राम मेरी दादी के जरिए आए। और मेरी दादी को पूरी रामचरितमानस याद थी, उनको शहर में बुलाया जाता था रामचरितमानस का पाठ करने के लिए। और मैंने जिस राम को देखा और बाद में गांधी के राम को पढ़ा तो मुझे वो राम एक जैसे लगे। लेकिन अब जिन राम से परिचय कराया जा रहा है, जिसकी चर्चा प्रोफेसर त्रिपाठी ने की, वो राम कुछ अलग हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका, जिसकी तस्वीरें हाथ जोड़े हुए हम लोगों के घरों पे होती हैं, वो अचानक धनुष की टंकार खींचे हुए राम दिखाई देते हैं। तो ये जो राम का जो चरित्र है उसको किस तरीके से अपभ्रंश उसका किया है, और गांधी का जो राम राज था वो क्या था? जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने भी इस सवाल को पूछने के क्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही और सर ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। दरअसल मैं गांधी के राम पर बात करते समय अगर कहूं तो मैं कहूंगा कि गांधी के राम तो परंपरा के राम है जी। अगर आप पूरी रामायणिक ट्रेडिशन को उठा करके देखिए, क्योंकि रामायण का कोई एक वर्जन तो है नहीं, रामायण के आपको दुनिया भर में सैकड़ों वर्जन मिलते हैं। एक रामानुजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य है रामायण के ऊपर, वो 300 रामायणाज, तो वो दिखाते हैं कि कितना डाइवर्स ट्रेडिशन है, अलग अलग तरीके के नैरेटिव हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां हैं राम के बारे में, रावण के बारे में, शूर्पणखा के बारे में, हनुमान के बारे में। कहीं पर तो हनुमान बेहद चंचल भी दिखाई देते हैं, कहीं हनुमान बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं, तो बहुत डाइवर्स ट्रेडिशन। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो इन सभी तरीके के रामायणों के भीतर आपको मिलेगी, वो ये है कि राम कुछ एक वर्च्यूज के, कुछ एक वैल्यूज के पुंज है। जैसे हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो धीर गंभीर है, वो शालीन है, वो क्षमाशील है, वो न्यायप्रिय है, वो लोकमत का सम्मान करने वाले हैं। ये हर तरह के राम यही राम है, मतलब आपको इंडोनेशिया के भी राम आतताई राम नहीं मिलेंगे। तो गांधी ने भी जब अपने राम को उठाया तो राम एक तो परंपरा के राम है, एक शास्त्र के राम, और उसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि शास्त्र किसी न किसी तरह से लोक को प्रभावित करता है, तो जो लोक परंपरा के राम है वो भी उसी उसी परंपरा में आते हैं, उतने ही शालीन हैं, उतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उतने ही न्यायप्रिय हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं जिस जगह पला बढ़ा लखीमपुर खीरी में, वहां एक राम रामलीला होती है जी। उस रामलीला के दौरान मेरे घर से बड़ी करीब था, तो हमारा बचपन जो है बहुत नॉस्टैल्जिया हम लोगों को होता है, क्योंकि हमारा बचपन दशहरे के दौरान हमेशा राम के इर्द गिर्द बीतता था। तो वहां जो राम के, भगवान के जो कपड़े बुनने के लिए पुश्तैनी रूप से शायद 1870-70 से वो रामलीला चल रही है, तो वो एक मुस्लिम परिवार है, शायद नन्हे मियाँ या जाने उनका क्या नाम था, तो एक मुस्लिम राम के परम के कपड़े सीता है। यानी कि यहाँ धर्म का भेद नहीं है, यहाँ छूत अछूत नहीं है, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यानी आप परंपरा के राम भी देख लीजिए, आप लोक के भी राम देख लीजिए, तो आपको एक ही समान मिलेंगे। अब इनके बरक्स अगर आप खड़ा करके देखें तो एक नई इजाद है, वो RSS और BJP के राम। और पहली बार हम लोग
90 का जो दशक का जो मध्य है उसमें वो एकदम मॉडर्न तरीके से, ऐसा लगता है कि रामचंद्र भगवान को वो जिम लेकर के गए, उनके पहले सिक्स पैक एब्स बनवाए, बल्ले व शल्ले बना दिए, और उसके बाद बेहद उग्र क्रुद्ध भगवान राम का एक चित्र उन्होंने इन लोगों की इमेजिनरी में डाला। अब ये जो क्रुद्ध ईश्वर का जो क्रुद्ध रूप है, जैसे मैं आपको बताऊं कि भगवान हनुमान, उनको क्रोध सिर्फ एक बार आया था, और वो भी तब आया था जब राम, बिल्कुल राम को ये लगने लगा था कि शक्ति भी रावण की ओर से लड़ रही है और अब तो विजय होनी नहीं है, तो राम एकदम थक हार गए और उनकी आंख से आंसू टपका और वो आकर के हनुमान ने देख लिया कि राम के पैर पर वो आंसू आया है, और उसके बाद जो उनको क्रोध आया तो पूरी दुनिया निगलने चले गए। लेकिन हनुमान की भी परंपरा में आपको कहीं क्रोधित हनुमान नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी कितने साल, 2-3 साल पहले हर पांचवी गाड़ी पर आपको एंग्री हनुमान का फोटो जो है दिखाई दिया। तो दरअसल धर्म का जो ये क्रुद्धीकरण है, यानी आपको जो धर्म के जो सबसे शाश्वत मूल्य हैं, जो सबसे पवित्र मूल्य हैं, जिसमें एक मूल्य जो है क्षमाशीलता भी है, प्रेम है, करुणा है, उनको आपको विस्थापित करके वहां पर हिंसा लानी है, वहां पर क्रोध लाना है, वहां पर बदला लाना है। मैं बदले से आपको बताऊं, एक 1934 में गांधी बिहार के भूकंप पर टिप्पणी करते हुए ये पूछते हैं कि क्या जो ईश्वर है ये कोई बदला लेने वाला डाइटी है, क्या कोई बदला लेने वाला भगवान होता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, भगवान बदला ले ही नहीं सकता, लेकिन आज जो 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 डिपिक्शन राम का इन लोगों ने किया है वो तो बदले वाला राम है, वो तो क्रुद्ध है, वो तो हिंसक है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि राम को उनकी परंपरा से विलगा दिया गया है, उससे अलग कर दिया गया है, और वो गांधी की भी परंपरा है, वो तुलसी की भी परंपरा है, वो वाल्मीकि की भी परंपरा है, और पूरे के पूरे रामायणिक ट्रेडिशन की परंपरा से उसको अलग करके एक पॉलिटिकल राम बनाया गया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना इस्तेमाल है कि वो हमें वोट दिलाता रहे। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा, और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे दिखता है कि राम के पूरे चरित्र में जो सेंट्रल, जिस जो जो राम के चरित्र का सबसे मजबूत पहलू है, वो है उनका सत्ता से त्याग, 14 वर्ष का वनवास अपने वचन को निभाने के लिए, माँ के वचन को निभाने के लिए। अब अगर हम देखते हैं कि राम के नाम पे जो राजनीति है उसमें त्याग तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, जैसा सौरभ जी कह रहे हैं कि वो तो वोट की राजनीति के राम बन गए। प्रोफेसर पाटिल जी, जी इसमें अब मैं थोड़ा सा, आपने राजनीति का मसला उठाया, मैं मानता हूं कि ये दोनों राम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जो आध्यात्मिक आत्मा का राम है, परमात्मा राम है, वो फर्क नहीं करता, शोषण नहीं करता, वो सबको एक मानता है, सबको समेटे हुए है, वो राम है। और ये जो सत्ता हासिल करने वाला एक स्टेचू खड़ा कर दिया गया, एक तस्वीर खड़ा, तस्वीर खड़ा किया गया राम का, ये बिल्कुल उसके उलट है। इतना तो घटिया रावण का भी चरित्र नहीं है जितना राम का दिखाया है इन्होंने। ये तो मतलब इतना विद्रूपीकरण, मतलब मैं मान नहीं सकता। राम की कोई चीज ना उनकी सार्वभौमिकता, ना उनकी सत्यनिष्ठा, ना उनकी नम्रता, कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती इस चीज में और इस एक्शन में जो राम के नाम पे किया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करें कि मंदिर बनाने के पीछे जो 30 वर्ष की घृणा का आंदोलन है, इतना विकट आंदोलन के हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा बदल दी जिसने, ये साम्राज्यवाद की वापसी का आंदोलन है। तो ये राम जो सांप्रदायिक राम खड़ा किया गया, ये तो साम्राज्यवाद का औजार है और टोटल निगेशन है उस राम का जिसने हमें आजादी का जज्बा पैदा किया, हमें इंसानियत का जज्बा पैदा किया, बराबरी की भावना पैदा की, इंसान सब बराबर है, दुनिया का मालिक सबका एक है, हिंदू का मुसलमान का अलग अलग नहीं है, भगवान सबका एक ही है। ये तो तसव्वुर में है, राम के तसव्वुर में ये बात शामिल है कि वो शबरी का भी है, वो केवट का भी है, वो भरत का भी है, और उस वक्त मुसलमानी तो वर्ण मुसलमान का भी है जी। और उस वक्त की बात छोड़ो आप, जो जब रामायण लिखी गई
इस जमाने में राम तो इस वक्त मौजूद है, वो सबका है। ये तो ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो मरते वक्त सिर्फ राम का सहारा लेके मरती है, हमारे हिंदुस्तान के 80-85% आदमी तो जब असाध्य बीमारी में कैंसर हो जाए या कोई और बड़ी बीमारी लग जाए डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। तो मैंने तमाम लोगों को मरते देखा है, अल्लाह को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं। तो ये तो, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि इस प्रकार वोट कैसे देने चले जाते हैं इन राम के नाम पर वोट मांगने वालों को। ये मुझे हैरत है कि आप के रगों में जो राम बैठा है वो तो बिल्कुल अल्लाह ताला बैठा है, लेकिन आप एक शिकारी वाला राम जो बना दिया गया है, जिसके पीछे सिर्फ आग लगाने की मंशा है, लोगों को दबाने को चलने की मंशा है, उसके पीछे कैसे भाग लेता है आदमी। ये मुझे अपने देशवासियों से एक सवाल है, और मेरी कोशिश है कि आपके अंदर भगवान ने 90-99% गुण दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा खोट और आ गया है, ये हटना चाहिए। हालांकि इससे आपको कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने पाँव की बेड़ी मजबूत करेंगे, लेकिन उस राम को जो आपके अंदर आपकी रूह में बैठा है उसको इस फरेब से लड़ने की जरूरत है, उसकी ताकत के लेके आप इस फरेब से लड़ें, इसकी जरूरत है। मेरा सोच ये है जी। सौरभ जी, अगर थोड़ी देर के लिए इस पॉलिटिक्स को हम किनारे भी करें, राम के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो एक 47 के बाद, आज़ादी के बाद एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडियन स्टेट की स्थापना हो रही थी, और जाहिर सी बात है कि गांधी की पर्सनालिटी, गांधी की सोच उस पूरे विचार पे हावी थी, और गांधी अपने हिंद स्वराज में भी स्वराज के बारे में काफ़ी कुछ तफसील से लिखते हैं। तो कैसे गांधी ने इस अपने रामराज को और इस मॉडर्न जो यूरोपियन मॉडल था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी था, उससे कैसे सिंथेसाइज किया? जैसे हिंद स्वराज में कई बार वो इटली और जर्मनी के फैसिज्म और नाजीज्म की भी चर्चा करते हैं और उसको निगेट करते हैं, तो कैसे उन्होंने इसकी सिंथेसिस कैसे की नेहरू और गांधी के पर्सपेक्टिव में, अगर इसके हम लोग बात करें तो? जी जाहिर सी बात है सर, जो आपने कहा कि गांधी का जो डेमोक्रेसी को लेकर के क्रिटिक बहुत शार्प है, और गांधी इस वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को निश्चित रूप से उसको बहुत ही पूर्ण तरीके का एक शासन तंत्र, शासन प्रणाली नहीं मानते थे। और कई अर्थों में हम देखते हैं कि जिस तरीके से कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों लोग ही राज्य के विरोधी हैं मूल रूप से, तो एक सेल्फ रेगुलेटरी किस्म का एक सोसाइटी हो जहाँ सभी लोग आत्मनियंत्रण, आत्म संयम से चलें, और तो वहां पर राज्य की जरूरत को गांधी न्यूनतम कर देना चाहते हैं। मॉरल अथॉरिटी उसका जो है, जो उसका जो एथिकल सोसाइटी हुआ, एथिकल सोसाइटी है, तो वो एथिकल सोसाइटी जो है वो गांधी का ड्रीम है। लेकिन गांधी ने जिसको कहें कि थेरेटिकली अगर वो संकल्पना के तौर पर डेमोक्रेसी को की आलोचना करते थे, तो कहीं ना कहीं एक जब तक कि उस एथिकल सोसाइटी की स्थापना संभव ना हो तब तक उस ट्रांजिटरी फेज के लिए वो गांधी हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। तो उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को सीधे तौर पर शासन प्रणाली के रूप में चुनौती नहीं की, उसकी संकल्पना की आलोचना जरूर करते रहे। तो 1947 के बाद निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 1946-47 में जैसा खून खराबा, जिस तरीके का चारों तरफ हिंसा है, उस माहौल के भीतर तो गांधी निश्चित रूप से ये सोच रहे थे कि किसी तरह सेना के माध्यम से, किसी तरह पुलिस के माध्यम से, किसी तरह राज्य सत्ता के माध्यम से इसको काबू में किया जाए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ना सिर्फ उस समय के दंगों के दौरान गांधी लगातार नेहरू और पटेल के संपर्क में है और राज्य का जो प्रयोग हो सकता है उस प्रयोग के लिए हामी दे रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि जब कबायली कश्मीर में घुसे हैं तो गांधी फौज को भी कह रहे हैं कि तुरंत भेजने की परमिशन उनसे मांगी गई और गांधी ने वो परमिशन दे दी। तो यानी गांधी एक संकल्पना के तौर पर, गांधी एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन के तौर पर, दो भिन्न भिन्न पोजीशंस भी उनकी होती हैं। तो मैं मूल प्रश्न पर आ जाऊं, क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो सकता है, कि ये सब कुछ जानते हुए, मतलब गांधी और नेहरू का जो विवाद है, जो उनके मतभेद हैं,
वो 34-35-36 के दौरान तो चरम पर चले गए हैं, और उस चरम में गांधी ने कहा है कि चलो अब हम पार्टिंग ऑफ वेज कर लेते हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, सारा का सारा हमारा जो खतो किताबत है उसको हम सार्वजनिक कर देंगे। नेहरू उसके बाद में अपने पांव वापस खींच लेते हैं, ये जानते हुए भी गांधी जो है 1941-42 के दौरान नेहरू को अपना सक्सेसर मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि गांधी की निर्णय क्षमता पर जब हम इस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में तमाम सारे गांधीवादी जो हैं वो बहुत ही एंटी नेहरू हैं, और हम लोग वो परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम गांधी की निर्णय क्षमता के बारे में हम अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गांधी जान रहे थे कि नेहरू का मॉडल ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट है, नेहरू जो है वेस्टर्न एजुकेटेड है, नेहरू के पास में अलग तरीके की जो है विश्व दृष्टि है, तो गांधी इसके बावजूद नेहरू को सक्सेसर मानते हैं। तो इस वजह से मैं नेहरू और गांधी को कोई विरोधाभासी संदर्भों में एक तो देख नहीं पाता हूं। लेकिन अगर मैं फिर से वापस 2 मिनट के लिए अगर आप मुझे इजाजत दें कि जो मैं मूल बात का राम के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि देखिए गांधी जी 1947 की एक प्रार्थना सभा है 26 फरवरी के आसपास की, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ये समझने की भूल ना करे कि मेरी राज्य राम राज्य का अर्थ हिंदुओं का राज्य है, वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसको वो ट्रांसलेट करते हैं, वो कहते हैं कि जो मेरा राम है वो तो खुदा भी है और गॉड भी है, ये गांधी के कोट अनकोट वर्ड्स हैं, और जब वो खुदा भी है और वो गॉड भी है तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप राम राज्य ना कहना चाहें तो मैं इसे खुदाई राज्य कहना चाहूंगा, यानी कि परमात्मा का राज्य। तो राम राज्य की भी इतनी विस्तृत अवधारणा, बहुत सारा कंफ्यूजन गांधी के जीवन काल में ही राम राज्य को लेकर के था, और गांधी बार बार उसका जवाब भी देने की कोशिश करते रहते, लेकिन ये जो राम राज्य है उसको वो कहते हैं अगर आप राम राज्य ना कहें तो धर्म राज्य कह लें, और धर्म राज्य भी ना कहें तो मैं कहता हूं कि उसको खुदाई राज्य कह लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये परमात्मा का राज्य हो। और ये जो परमात्मा है ये कौन है, ये तो राम है ना, और ये परमात्मा का राज्य क्या है। गांधी जो है जब रिलीजन की बात करते हैं तो स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर है। स्मॉल आर का मतलब है हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, लेकिन कैपिटल आर का मतलब ये है कि सभी धर्मों के सर्वोच्च मूल्यों का एक तरीके से अकुमुलेशन, उनको एक साथ इकट्ठा करना और कैपिटल आर के साथ रिलीजन का निर्माण करना। तो गांधी का जो धर्म है, गांधी को जो राम है, दरअसल वो राम एक समुच्चय है सभी धर्मों की अच्छाइयों का। इसलिए मैं ये समझता हूं कि गांधी एक तरफ तो परंपरा के राम को साध लेते हैं और दूसरी तरफ आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी जो जरूरत थी कि सभी धर्मों के बीच में एकता हो, गांधी उन सभी मूल्यों को शामिल करते हैं। गांधी के सर्वधर्म सभा के अंदर आप देखिए उनके सर्वधर्म प्रार्थना में जो छोटी से छोटी माइनॉरिटी है, मतलब स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी, उसका भी जिक्र है, उसकी भी प्रार्थना है। गांधी ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई कहाँ गए, हमारे बहाई धर्म के लोग कहाँ जाएंगे, हमारे जरथुस्त कहाँ जाएंगे, हमारे पारसी कहाँ जाएंगे, तो सबकी प्रार्थना है, बौद्धों की भी है, जैनों की भी, यानी छोटी से छोटी माइनॉरिटी जो है गांधी के रिलीजन की अवधारणा। तो गांधी का राम दरअसल भारतीय राष्ट्र जो है ना उसको जोड़ने वाला राम है, और जो भी उनकी गांधी के राम चुनौती देने वाला को तोड़ने वाली ताकतें हैं। तो मैं इस तरीके से इसको समझ पाता हूं कि गांधी के राम को हम कैसे परंपरा के राम के बीच में देखें। जी, और एक और एस्पेक्ट प्रोफेसर त्रिपाठी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसा सौरभ जी ने भी कहा कि गांधी के जो राम है वो बहुत व्यापक हैं, और जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, वो भी बहुत व्यापक है। उसमें तमाम भाषाई विभेद हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम तरीके के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, और वो जो त्रिपाठी जी कि राम जो है और इंडियन स्टेट है उतना ही व्यापक है, तमाम जो भारतीय संस्कृति है उसकी बहुत व्यापकता है, तमाम भाषाई जो है लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जिसकी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन ऐसे लोग भी रहते हैं। आप बहुत घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, और अभी भी मैं ये कहूँगा, मैं भी समाज में जाता हूँ, अपने घरों में भी हम लोग देखते हैं कि अभी इतना नहीं बिगड़ा है राम का रूप जितना कि हमको लग रहा।
अभी भी गांव में या अपने घरों में जाएंगे तो राम राम ही है, अभी जय श्री राम केवल कुछ ही शहरी इलाकों में दिख रहा है। तो वो राम अभी भी वजूद में है, और वो समाज से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो जी आप जी कैसा, वो जो जो नैतिक मूल है समाज के, जो टॉलरेंस है समाज की, वो अभी भी जिंदा है। है। जी मैं बोलूं जी बोलिए। जी, मैं दो तीन बातें इस कंटेक्स्ट में कहना चाहता हूं। गांधी ने राम शब्द का इस्तेमाल कई बार किया है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने सत्य का इस्तेमाल किया। सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य की शक्ल में राम को देखते थे, और हर क्षण उनको जब फैसला करना पड़ता था अच्छे और बुरे में, सत्य और असत्य में, इंसाफ और नाइंसाफी में, उस वक्त राम मौजूद रहता था। तो उसी को, सत्य को ईश्वर कहते थे गांधी। और ये गांधी की, क्यों उन्होंने राम को या सत्य की शक्ल में देखा। मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात को अपनी रगों में उतारने की जरूरत है कि राम कोई डेड एंटिटी नहीं है। राम आपका सोच है, राम आपकी अनुभूति है। अगर आपको आंख खोल के दिखता नहीं है किसी का ऊपर होता जुल्म या आपके द्वारा किसी का होता अपमान, तो आप सत्य से दूर हैं, भगवान से दूर हैं। तो सत्य तो, ईश्वर तो आपकी आत्मा को चलाने की, आपको सत्य पर टिकने की ताकत का नाम है। उस मामले में भले ही नेहरू राम या का नाम ना लेते हो, लेकिन जो सत्य पर टिकते थे, मैं मानता हूं कि वो भी राम भक्त थे। जो आदमी एथिस्ट है वो भी राम भक्त है, अगर सत्य पे टिकता है तो। और ये छोटी चीज नहीं है। बदकिस्मती से ये धार्मिक सत्ता वाले लोगों ने, जिनको धर्म के नाम पे सत्ता चलानी है, उन लोगों ने ऐसा विद्रूपण किया है, इतना कुरूप पैदा कर दिया है राम या ईश्वर के बारे में, कि जो आदमी सच पे टिकता है लेकिन मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, उसको आप नास्तिक बोल देते हो। वो तो जिसकी सत्य पर आस्था है, सत्य पे खड़ा होता है जो आदमी, वो तो सबसे ज्यादा ईश्वर के निकट है। और इसलिए ये जो नास्तिक आस्तिक का भेद है, ये फजूल का भेद है। गोरा जी के साथ गांधी जी की चर्चा हुई, गोरा ईश्वर को नहीं मानते थे, खासतौर से जब 1947 का अकाल पड़ा तो गोरा जी ने देखा कि ये ईश्वर की कृति तो नहीं हो सकता कि गोदामों में अनाज भरा पड़ा रहा, लोग भूखों मर गए। गांधी जी से उनकी चर्चा हुई, और वो भी रात के 4 बजे का समय दिया गांधी जी ने, कि मैं सवेरे प्रार्थना के लिए उठता हूँ, तो तुम उस वक्त आ जाना, प्रार्थना के बाद तुमसे बातचीत होगी। अब गोरा जी बड़े परेशान के, मैं 10 मिनट का टाइम है, उसमें अपनी बात कैसे लिख लिखा के ले गए। लेकिन गांधी जी ने 8 मिनट उनकी बात सुनी, जितना वक्त दिया था उसका 80% उनको बोलने का मौका दिया, और बड़ी गंभीरता से सुना। और सुनने के बाद गांधी जी बहुत खुश हुए, बोले तुम जो काम, जो तुम्हारा सोच है सही है, इसमें कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है। वही बात मैं जैनेन्द्र जी की बात को बताता हूँ। जैनेन्द्र कुमार जैन एक बहुत बड़े गांधीवादी थे और बहुत बड़े विचारक थे, साहित्यकार भी बड़े ऊंचे दर्जे के थे। एक बार मुझसे बोले कि मैं जेल में बंद था आजादी की लड़ाई में, और मेरे दिमाग में आया कि ये गांधी पुनर्जन्म की बात करते हैं, और जब मैं हूं नहीं तो पुनर्जन्म किस चीज का, क्योंकि अहंकार निरसन, अगर मैं अहंकार, मेरा अहम खत्म हो जाए तो आई एम नो बडी, तो फिर पुनर्जन्म किस चीज का। ये उनके दिमाग में बात आई, जेल से छूट के आए, तो दया उनकी सिस्टर इन लॉ थी, उनसे बड़ी थी उम्र में, गांधी जी से काफी मिलती जुलती रहती थी, तो दया से बातचीत की कि गांधी से तुम सवाल पूछना। दया बोली कि मैं तो नहीं, लेकिन तुम्हें गांधी जी से वे सामने ले चलूंगी, तुम बात कर लेना। तो एक दिन मॉर्निंग वॉक में गांधी जी के साथ के पास ले गई वो दया जैनेन्द्र जी को। जैनेन्द्र जी सवाल पूछ, दया ने कहा कि ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो डर गई, डर गए जैनेन्द्र जी, कांपने लगे। बोले मैं तो कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना सवाल उनके सामने रखा कि जब मैं हूं नहीं तो पुनर्जन्म किसका। तो गांधी ने सुना, गांधी बोले कि भाई तुम्हारी बात मुझे सोचनी पड़ेगी। और जैनेन्द्र जी कहते हैं, गांधी का इतना कहना मेरे लिए उत्तर था कि वो मेरी बात समझ गए। जी यानी गांधी का इतना
जो ईश्वर था या पुनर्जन्म था या जो धारणाएं थी वो इतनी सत्य आधारित थी, अनुभूति आधारित थी कि उसमें किसी का अपमान नहीं है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी हर प्रकार के सोच की है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी राम गांधी का राम तो वो है जी। और एक बात और मुझे कहनी है, इस वक्त का जो आंदोलन चल रहा है अपने मुल्क में धर्म के नाम पर, धर्म का वर्ग चरित्र मेरे ख्याल से हमें दिमाग में रखनी चाहिए। आम आदमी के लिए धर्म के माने बिल्कुल फर्क है, उसके माने उसके लिए सच्चाई, एक दूसरे की मदद, कुटिलता का छोड़ना, ये उसके लिए धर्म होता है। और एक इलीट क्लास का धर्म है दिखावा, एसर्शन ऑफ अथॉरिटी, एसर्शन ऑफ सुपीरियोरिटी, और उसके हाथ पे एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये हिंदुस्तान का जितना बड़ा रईस है उसके दिमाग में जो ईश्वर का तसव्वुर है वो अनुभूति से जुड़ा नहीं है, सत्य से जुड़ा नहीं है। उसके दिमाग में एक ऐसा नकली एसर्शन ऑफ अथॉरिटी के लिए ईश्वर का एक खाका खड़ा कर रखा है। मुझे ताज्जुब है कि मंदिरों में जाके पूजा कैसे कर लेते हैं, रात रात भर का रात जागरण कैसे कर लेते हैं जबकि अकीदत रत्ती भर नहीं है। मुझे सचमुच हैरत है कि हमारा इलीट क्लास दिखावा कितना करता है, आंखें बंद करके बैठ जाएगा लेकिन दिखेगा उसके लिए सिर्फ सेल्फ के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। लेकिन इस धर्म के दोहरे चरित्र को हम समझें, कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है और वो प्राइमरली उनका इशारा इलीट की तरफ था, अवाम के लिए इस तरह इसलिए था कि आप बहके नहीं, धर्म का जो आडंबर आपको दिखाया जाएगा उसमें आप बहके नहीं, उसको धर्म मान के उनके पीछे न चल पड़े जैसे आज हमारे मुल्क के काफी लोग चलने लग गए हैं। तो इस मामले में अफीम का काम करता है वो, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों की रूह को जगाने की जरूरत है। लेकिन एक बात और मैंने देखी अपने रिपोर्टिंग के दौरान, मैंने बतौर पत्रकार कई कुंभ मेले कवर किए, दो कम से कम तो कवर किए और वहां गया, और दूसरे और तीज त्योहारों में गंगा स्नान में देखा हमने, प्रयाग में, हरिद्वार में, वो जो हजारों लाखों की भीड़ वहां जाती है वो सांप्रदायिक नहीं होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो उसमें मौलिकता है एक, और उसके इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो मैं भी पिछली बार गया था, अभी हाल का कुंभ हुआ इलाहाबाद में जी, मैंने पर्चा भी बांटा था जी, के कुंभ में एक डुबकी अहम विसर्जन की भी जी, और मैंने पर्चे बांटे, मुझे डर इस बात का था, मैं इसीलिए गया था, मैंने 5,000 पर्चे बांटे, दो दिन रुका मैं उधर, हमारे कुछ साथी भी गए थे, वही लोग हमारे विद्यार्थी वहां पढ़ाते हैं वो भी शरीक हो गए थे। इतना मुझे सुकून मिला, आपने जो कहा उसी का अनुभव, कई लोगों ने आके मेरे पांव छू लिए जब मैंने पर्चे बांटे, उन्होंने पढ़ा थोड़ा दो चार लाइनें, बोले आप सच्ची बात कह रहे हैं। तो अब बिल्कुल सही है कि आम आदमी जब इस प्रकार के स्थानों में जाता है तो श्रद्धा से जाता है, भक्ति भावना से जाता है, दिखावे के लिए नहीं जाता। जी, ये बात सही है जी। प्रोफेसर सौरभ, आप बहुत काम करते हैं, आपके अपने संगठन पढ़ने पढ़ाने के अलावा आप समाज में बहुत काम करते हैं अपने संगठन के माध्यम से, खासकर गांधी के विचारों को प्रचारित प्रसारित प्रचारित करने में और गांधी को डिस्कवर करने में इस मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट में और मॉडर्न समाज में। तो जब इतना आप घूमते हैं, अभी भी आप दिल्ली के बाहर थे, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो आपके क्या अनुभव है और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो आरएसएस जिस राम को प्रोजेक्ट कर रही है और जो गांधी के राम है या तुलसी के राम है, उनमें अभी भी वो काफ़ी उनका जो कद है बहुत बड़ा है और इतना आसान नहीं है राम के नाम पर पॉलिटिक्स जरूर कर ली लेकिन बहुत लंबे समय तक चल पाएगी क्या? देखिए, ये लोक चेतना के निर्माण का सवाल है जी। पिछले 40-50 साल के भीतर मैं खास तौर पर देखता हूँ कि जब से विनोबा की जो परंपरा है उसका अंत हो गया और एक बहुत बड़ा गांधीवादियों के बीच का भी जो तबका है वो जाकर के उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नानाजी देशमुख और इन सब लोगों के साथ जाकर के मतलब इमरजेंसी के आंदोलन में लड़ाई की। अब इमरजेंसी पर अलग से बात हो सकती है लेकिन मैं यहाँ पर इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि लोक चेतना के निर्माण की जो गांधीवादी परंपरा थी, आप गांधी के राम की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सांप्रदायिक राम के सामने गांधी के राम खड़े हो सकते थे। पिछले 50 साल में लोगों को कोई बताने नहीं गया कि राम क्या है,
आरएसएस के लोग गए हैं, कम से कम एक मामले में तो उनका हम सम्मान कर सकते हैं कि उन्होंने दिन रात सत्ता ना होते हुए भी, संसाधन ना होते हुए भी अपना काम किया है, मेहनत की है, लोगों के पास गए हैं, पहुंचे हैं, उनको बताया है, उनको बरगलाया है। तो मैं तो समझता हूँ कि लोक चेतना के निर्माण की प्रक्रिया है और धीरे धीरे जो जनता है, जनता देखिए बहुत भोली भाली होती है, इसलिए जनता के प्रशिक्षण की निरंतर जरूरत होती है और गांधी जी इस बारे में बहुत इसको जोर भी इस पर देते हैं। और जैसे झूठ के बारे में कहा जाता है ना कि उसको 100 बार दोहराना पड़ता है, तो निश्चित रूप से सत्य को भी दोहराना पड़ता है। कोई भी इमारत ऐसी नहीं होती जिसको आप एक बार तामीर कर दें तो वो हमेशा चलती रहेगी, आपको उसकी मरम्मत तो करती रहना पड़ेगा, उसका रंग रोगन करता रहना पड़ेगा। वही हाल सच का भी है, सत्य का भी है। तो मैं यहाँ पर मैं जो अपने लोगों से जो हमेशा कहता हूँ कि देखिए ये जो गैप हो गया है हमारे बीच में और लोगों के बीच में, आरएसएस के बीच में गैप नहीं है, उनके लोग हर गली में, मोहल्ले में, हर गांव के भीतर, सुदूर उत्तर पूर्व तक अब तो पहुंच गए 70 के बाद में। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने तरह के राम की परिभाषा लोगों के जहन में डाल दी है, हम लोग गए नहीं है, तो निश्चित रूप से परंपरा छेड़ हुई है। लेकिन दूसरी एक बहुत बुनियादी जो बात जिधर आप इशारा कर रहे हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो अनुभव है वो न सिर्फ गांधी को लेकर, न स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों को लेकर के, बल्कि खुद जो राम है, मतलब जिस राम के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि आम लोगों के राम भिन्न है इस राजनीतिक या सांप्रदायिक राम से, निश्चित रूप से वहां बहुत उम्मीद बाकी है। बात यह है कि जमीन है, पड़ी हुई है, उसको कौन जाएगा गोड़ने, उसको जोतने कौन जाएगा, उसमें बीज डालने कौन जाएगा, उसको सींचने कौन जाएगा। तो जितना हम जाएंगे और जितना संगठित होकर जाएंगे उतना ज्यादा हम लोग सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है। बिल्कुल, वो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हम मुझे तो लगता है हर प्रकार की चेतना के निर्माण की आवश्यकता है। तो ये निश्चित रूप से हमारा ये जिम्मेदारी है इस पीढ़ी की, और जिस काम को हम लोग अपनी ओर से थोड़ा बहुत करने का। आप वाकई आप बड़ा काम कर रहे हैं आप दोनों लोग, और जो जिस तरफ दोनों लोगों ने इशारा किया, हमारे दोनों मेहमानों ने, जो राम राज है वो बेसिकली नैतिक मूल्यों पर आधारित राज है, वो उसमें इंसान इंसान में भेद नहीं है, उसमें कोई दो ईश्वर नहीं है, उसमें कोई बदले की भावना नहीं है, और ये मर्यादा पे, मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादा आधारित जो राज है, मर्यादा आधारित राज का मतलब कि जिसमें सब बराबर हैं। तो इसी नोट के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, और अगले सप्ताह अगर इजाजत दें प्रशांत, तो मैंने एक गजल लिखी थी जी, उसकी अगर इजाजत दें तो तुम दो एक शेर सुना दूं कि गजल के राम के बारे में हमने लिखा था। जी 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 बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से आपने खत्म कर लिया तो कोई बात नहीं। जी आप कहें सच की खातिर राम राज, पद को तज वन को गए, और मक्का छोड़ कर हिजरत पे पैगंबर गए। सच की खातिर राम राज, पद को तज वन को। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, बहुत बहुत मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अल्फाज थे, और प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर सौरभ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और फ्रीडम एक्सप्रेस को देखते रहिए और हमको लाइक शेयर करते रहिए। अगले सप्ताह फिर हम इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आएंगे और एक किसी नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।